करें बहुत सारा खाना खाने के बाद डाइट <laughs> की बात करेंगे अभी मेरे को डकार ना आ जाए शुरू करते हैं यस मिस्टर जी आप बताइए क्या करने वाले हैं आज हम जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात की थी क्वेश्चन आंसर्स की तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे लगभग चौदह सौ कमेंट्स और वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए ढूंढना कि कौन से कमेंट्स अच्छी है उसमें से मैंने बहुत आ... पर सबने आ, फिटनेस के बारे में पूछा है <laughs> मैंने मैंने सिलेक्ट किया है वो। अच्छा <laughs> तो आइए सबके सवालों के जवाब देते हैं कोशिश करते हैं लेट्स आंसर द क्वेश्चंस एंड लेट्स डू इट एंड आई होप आप सबको अपने अपने जवाब इस वीडियो में मिल जाए तो पहला क्वेश्चन है नशिका वर्कआउट सुबह में कर, करना चाहिए या शाम में विच इज इफेक्टिव ये तो <laughs> मेरा क्वेश्चन <कुछ> है, <laughs> हाँ हाँ है आपका वाला है। तो वर्कआउट आपके ऊपर डिपेंड है आपका स्केड कैसा है आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते सुबह भी कर सकते हो शाम को भी कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम सेकंड पूछा है आ, सेजल सोनार 80 तो उठा लिया अब नेक्स्ट स्टोरी 100 के की कब आ रही है डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट 80 एटी अभी एटी केजीज है हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट में फाइव फाइव के में इंप्रूवमेंट करेंगे हर वीक 5 के जी डेडलिफ्ट मुझे लगता है कि सो के हम लोग एक महीने में पहुंच जाएंगे हाँ और जो भी चीज मैंने सीखी है it is not important कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कितना heavy weight उठा लेते हैं कितना सही है। तो सेजल सोनर ने पूछा है क्या strict gym trainer है क्या <laughs> बिल्कुल भी है और कभी कभी मुझे थोड़ा चीट करने के लिए अलाउ भी करते हैं बट फ्रॉम बींग वेरी उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है बहुत सपोर्टिव रहे और मेरे बॉडी में चेंज यही ला पाए हैं और मुझे रेगुलर ओमकार uh, ने किया है एंड इट्स बिन टूर्स थ्री बट अच्छा वर्कआउट हमने सबसे बेस्ट वर्कआउट विद डाइट हमने शुरू किया था आफ्टर लॉकडाउन लॉकडाउन कोविड के बाद उसके पहले वर्कआउट कर रहे थे पर डाइट मेरे साथ तो पर सामने <laughs> रात को सीरीज पीनट्स पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न हमने कल भी खाया नेक्स्ट इज राशि राशि गर्ग स्लैश अंश गर्ग दोनों ने साथ में अकाउंट बनाया हाउ डू यू कंट्रोल योर क्रेविंग अपॉन अ फूड इज सो सो डिफिकल्ट सो हाउ डिड यू गो थ्रू दिस आप बताओ पहले आप कैसे इनको नहीं होती क्रेविंग <laughs> मुझे आम मुझे मैं भी इंसान हूं यार <laughs> नहीं ये <मैं>, नहीं नहीं <laughs> नहीं मुझे भी क्रेविंग्स होती है बट मुझे पता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर मैं हालांकि मुझे ज्यादा कंट्रोल होती नहीं बट जब भी होती है क्रेविंग्स मैं मुझे फलोदा बहुत पसंद है <laughs> तो महीने में या फिर दो महीने में एक बार मैं फॉलोदा के स्टॉल भी आता और एक फॉलोदा छोटा खा लेता हूं अब देखो हर इंसान मेरे जैसा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता Uh, मुझे क्रेविंग्स नहीं होती है <laughs> <laughs> ये, ये मैं क्या सुन रहा हूं? भाई वो छोले वो क्रीम, क्रीम सेंटर वाला हाँ, कब टाइम हो गया काफी तो, तो तो नहीं नहीं लास्ट मंथ लास ना तुम फोर्टीन डेज पे तो थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं हाँ बट छोले सामने वर्कआउट भी तो करता हूँ ना मैं छोले और एक मिनट जरा इस इस साइड साइड आओ अरे इसलिए बट मेरे पूरे ग्रुप में सबसे आ, अच्छा डाइट कौन करता है राहुल आप बता दो सारे वर्कआउट करते हैं पर कौन अच्छा अच्छा डाइट 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 करता है 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 में तो दर्शन को भी मानूंगा बहुत अच्छा होता होता कभी कभी चीट होता है, लेकिन पर और, पर, है। मेरे जितना ऑनेस्ट इंसान भी कोई नहीं मैं आके तुरंत बता देता हूँ जैसे आज सुबह जाके मैंने बोल दिया कि पॉपकॉर्न खा लिया कल का भी। अभी नेक्स्ट है सारिका सैयारा उन्होंने एडिट भी किया है ये क्यों एडिट करते हो इतना

<laughs> तो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि मैं अगर फिट हूँ तो मैं दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ उनको भी फिट करना चाहता हूँ इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ क्या बात है और मैं मिनी मिनी फिटनेस ट्रेनर हूँ फिट हो रहा था तो मुझे जिम में अकेला मजा नहीं आता है तो सब लोग अभी फिटनेस की रास्ते पर हैं कदर पे है डाइट के रास्ते पे नहीं है नेक्स्ट इज विजय कुमार नाथ प्लीज टेल मी व्हाट शुड वी हैव टू ईट और व्हाट नॉट टू ईट ऑन डाइट एंड हाउ मच वी शुड डू वर्कआउट इन अ डे अगेन पहले राव जी बताएंगे फिर मैं मेरी बात करूंगा पहले मेन बात तो है आपकी शुगर जो आप डेली रूटीन में जो शुगर खाते हो उस पर कंट्रोल कीजिए बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा शुगर का कॉल <laughs> तो हाँ मैंने भी शुरू इससे ही किया था कि चाय और कॉफ़ी में ब्लैक कॉफ़ी में भी शुगर डालता था और बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक था और शुगर इज द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे डिफिकल्ट है शुगर कंट्रोल करना साची महाले ओम भाई वॉट इज दर्शन वीकली वर्कआउट रूटीन वॉट आर द डेज वेन ही डज लेग्स चेस्ट शोल्डर एक्सेट्रा तो हम लोग मंडे को करते हैं चेस्ट एंड शोल्डर्स ट्यूजडे को करते हैं बैक एंड बाइसेप्स एंड वेनजडे लेग्स एंड

जिसके वजह से मेरा बॉडी बहुत पेन होता होता था नेक्स्ट डे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता सो आई थिंक स्टार्ट वेरी लिटिल और ये जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ या कोई भी जो लोग एकदम बिगिनर है स्टार्ट गोल सेट करो 15 मिनट्स 20 मिनट्स हर रोज करो फिर थोड़ा 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 प्रोग्रेस right. होगा और मजा आएगा और oh सॉरी और ये पूछा था मधुरा बाग uh, इनके वैसे uh, भी ट्विटर पर बहुत सारे क्वेश्चन <laughs> um, अगला क्वेश्चन है लेशू ले, लेशू यार, नाम बड़े कमाल के लेशु कॉफी लेशु माय क्वेश्चन वैसे तो ओम ज़्यादा फ्रेंडली है बट कभी तुम वर्कआउट नहीं करते या चीट करते हो तो गुस्सा होते हैं वो गुस्सा उन, उनके चेहरे पर जो वो वो रहता है ना अरे यार तुमसे वो इतना मेरे को बुरा लगता है

दीप सिर्फ लेग करता है हाँ रंजीत हाँ। रंजीत <laughs> का तो नाम ही मत लो यार बाकी सब अच्छे से कर लेता हूँ रंजीत पता Langes नहीं में पता नहीं क्या होता है लंचिस मेरे लिए नहीं बने हुए हैं अगली बार भी स्किप करेंगे अच्छा आराधा गुप्ता पूछ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आस्क यू दैट हाउ डू यू मेंटेन योर हेल्थ एंड वर्क ऑलवेज एंड वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट एक्सरसाइज आपके बारे में आई थिंक मेरे मेरा वैसे जब वैन एम हेयर नॉट ट्रैवलिंग मेरा उतना एक्टिविटी नहीं है सो गोइंग टू द जिम इज द ओनली टाइम वेर आई एम एक्टिव और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन द स्टूडियो तो मैं बैठा ही हुआ हूँ और विद द गिटार तो फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है सो दैट तो आई थिंक मैंने मेरे रूटीन के अंदर डाल दिया है कि भाई काम तो करना ही है बट विद दैट फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेज पर जाना है आपको परफॉर्म करना है गाना है सो या मैनेज हो जाता है अगर आपको करना है दिल से करना है तो आप कुछ भी करके मेरे वर्स्ट ऑफ टाइम शेड्यूल्स में भी मैं uh, जाकर uh, कार्डियो okay. कर ही लेता हूँ सो या एंड व्हाट आई लाइक अबाउट एक्सरसाइज इज द फीलिंग दैट आई गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज जो एक विक्ट्री होती है बिकॉज आई स्टार्ट माय डे विथ एक्सरसाइज तो वो uh, शुरुआत दिन के शुरुआत में ही वो फीलिंग आती है कि वाह इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द डे गोमक ले तनमय गोमकले क्या वाह यार आ, कमाल की सर ने दर्शन भाई व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव टू स्टार्ट स्टार्ट जिम इन बिगनिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है uh, मेरा स्टार्ट काफी टाइम मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इट स्टार्टेड विद पीपल राइडिंग कमेंट्स ऑन इंटरनेट सबसे पहले जब मैं uh, बात कर रहा हूँ तो तब ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्टेड सेइंग अरे भाई आप मोटे हो गए हो ये है तब तक मुझे पता नहीं चला था कि अच्छा आई हैव स्टार्ट गेनिंग वेट एंड देन इन द कॉन्सर्ट जब मैं परफॉर्म कर रहा था मेरे को बहुत सास चढ़ने लगा था एंड um, फिर मैंने देखा कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ एंड देट इज वेर मैं सीरियसली वर्कआउट uh, पर मैंने फोकस चालू किया एंड देन आई मेट उम कर रहा हूँ चीना चीना बजाज इसमें आई हो जाता चीनी हो जाता ना चीनी बजाज <laughs> और वो आपको खाने नहीं है इट इज़ नेसेसरी टू टेक समथिंग बिफोर वर्कआउट इफ येस देन वॉट वी हैव टू टेक दर्शन एंड ओम सर वर्कआउट के पहले आपका एक मील होना चाहिए जिसमें थोड़े से काप्स हो फाइबर्स हो और प्रोटीन हो और उसके बाद अगर आपको वर्कआउट करने की इच्छा नहीं हो रही तो आप एक छोटा सा कॉफ़ी शॉट ले सकते हैं। मैं आ, प, मुझे सुबह उठ के मैं वर्कआउट करता हूं, तो मुझे सुबह उठ के खाने की आदत नहीं है सो मैं मेरा एक आ, आ, मिल्क शेक आ, बनाया है राजू ने बोला है वो बहुत सारी चीजें कर करते थे ओट्स होता है बनाना होता है एंड प्रोटीन रहता है उसका एक शेक पीते हैं फिर फॉर इन द वर्कआउट मैं कॉफी पीता हूँ जो आपने ब्लॉग में देखा ही है कृष्णा दास गुप्ता <laughs> क्यों बात <आसर> है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्कआउट को हर्कुलिस क्यों बोला क्योंकि के अंदर बहुत एनर्जी थी <laughs> इसलिए वर्कआउट और आज नहीं कल हमने फिर से वो वाली चेस्ट भी की है और आज सुबह की हालत खराब थी इतना ज्यादा था ये ये गुज्जू है प्रिया गोलू यार इनके सरनेम्स कमाल है यार नाम में ही एकदम वो गोलू वाला दश तुम कब से ओमकार भाई से ट्रेनिंग ले रहे हो हम कर रहे हैं तीन साल से तीन साल तीन साल हो गए। राशि सिंह दर्शन यू ईट मीठी दाल ना गुड़ दाल के तो वो डाइट में अलाउड होता है आजी दाल बनने वाली थी <laughs> उसने आके पूछा वो के वो गुड़ डालू मैंने बोला नहीं आज तो जी भी घर पे थे बट uh, मैं अभी जैसे बिकॉज शुगर बंद है तो, तो मीठी दाल अवॉइड कर रहा हूँ चीट डे पे मीठी, मीठी दाल खा लेते हैं हाँ मैंने पूछा कैन ही डू इन वन गो हंड्रेड सो लास्ट टाइम मुझे याद तो है दो सौ दो सौ दो सौ तो कितने करवाता पर मैं आज ही किए थे शायद जिम में बीस किए थे बट uh, और ज्यादा कर सकता हूँ मैं लास्ट टाइम किए थे तीस, तीस का कोई वीडियो है ना एक, hmm. एक किसने ये पूछा था पुषप वाला उपेंद्र कौर आप कितने कर सकते हो कमेंट करके बताओ इस वाले ब्लॉग में कि कितने पुशअप्स आप कर पाते हो फातिमा डी फातिमा अंडरस्कोर डी जेड Uh, the time when you started doing workout and now when you see yourself so what differences do you see the most <laughs> इतने ज्यादा differences हैं ये overnight नहीं आते एक दो महीने में भी नहीं आते जो मैंने अगर naturally, अगर हम खाना पीना बहुत सही करके ये बहुत time की मेहनत है बहुत time लग जाता है और टाइम से भी ज्यादा अभी जैसे मेरा गोल ये नहीं है कि मेरे को ये कर देना है फिर बस खत्म मेरे को पता है कि लाइफ लॉन्ग मैं ये करना चाहता हूं इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम प्रजापति लेग्स डे पर आपको कैसा फील होता है प्लीज एक्सप्लेन इट बहुत ही अच्छा फील <laughs> होता है uh, आपको uh, लगता है कि आप uh, पैर रख रहे हैं और <laughs> आप आप चलोगे बट आप पैर रख के चल नहीं पाते हैं सब कुछ हिलता है तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग और लोग आपको देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों चल रहा है तो इससे बेटर फीलिंग क्या हो सकती है जब पूरा जिम आपको देख रहा है और आप ऐसे 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 हो रहे हैं पैर आपके लड़खड़ा रहे हैं अब टीममेट ने फिर से एक सवाल पूछा है इज़ देयर अ स्पेसिफिक वर्कआउट फॉर बेली फैट एंड फेस फैट और ओवरऑल एवरीथिंग ये आपने क्वेश्चन पूछा है स्पॉट रिडक्शन रिगार्डिंग तो स्पॉट hmm. रिडक्शन होता नहीं है जो भी फैट बॉडी से कम होता है वो ओवरऑल कम होता है एक ही जगह का कम नहीं होता है और जो भी वीडियोज बनाते हैं लोग यूट्यूब पर डालते हैं वो सब पूरा मीत है

Uh, as I said again, part of uh, my lifestyle and it's easier when I'm not traveling. Traveling ट्रैवलिंग के वक्त थोड़ा सा difficult रहता है but again, दो या तीन शो से ज़्यादा back back-to-back हम नहीं करते हैं और उसमें भी मुझे uh, राव जी बता देते हैं क्या क्या खाना है what can I eat? और best चीज़ ये है कि वर्कआउट uh, uh, concert के पहले वो मुझे कहते हैं कि जितने carbs हो सके उतना खाओ तो और मेरा concert में 1600 सो से 1700 calorie burn हो जाता है which is like फोर आवर्स ऑफ माई जिम वर्कआउट आई होप यू गाइज फंड और बस ऐसे ही पूछते रहो आप uh, अगले जितने भी वीडियोज राव जी uh, अपलोड कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ओमकार भाई और ज्यादा एक्टिव हो जाए यूट्यूब चैनल पर एंड या सब्सक्राइब द चैनल एंड लॉज एंड लॉज ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू ऐसा ही कुछ करते रहेंगे <laughs>